अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पांच एन जी आई एन ओ। और आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ, जी हाँ, ऑन योर वेरी ऑन चैनल एंटरटेनमेंट पांच। और आज हम दो मास्क बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर अनइवन स्किन टोन एंड सेकंड फॉर ओपन पोर्स। जस्ट थ्री इंग्रेडिएंट मास्क हैं और ये इंग्रेडिएंट मास्क आप अगर ये मास्क जो हैं वो आप वीक में एक दफ़ा भी यूज़ करेंगे तो इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने में मिलेंगे। इसके अंदर कोई आपको हसल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बाहर से इंग्रेडिएंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कोई एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सिंपल तीन इंग्रेडिएंट मास्क हैं और आप इन तीन इंग्रेडिएंट्स मास्क से जो है वो आप आसानी से ये वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने लेनी है योगर्ट, लेनी है 1 टेबलस्पून योगर्ट, थोड़ा सा टर्मरिक और इसके अंदर 1 टीस्पून आपने हनी लेना है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो योगर्ट मैंने ली है वो मैंने जो बाज़ार की दही है या घर की जमी हुई दही नहीं ली है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वाटरी होती है कि आपका जो उसका जो टेक्स्चर है ना वो फिर योगर्ट का टिप टिप बरसा पानी वाली जो है ना वो फेस मास्क बनेगा। तो इसलिए आप ये वाली बाजार की योगर्ट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है और इसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। और इसके अंदर 1 टीस्पून आपने हनी इस्तेमाल करना है, इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 15 to 20 मिनट्स आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। ट्वाइस अ वीक कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पर अप्रॉक्सीमेटली वीक में एक दफ़ा आपने इसे लाजमी इस्तेमाल करना है। अन ईवन स्किन टोन को ख़त्म करेगा, गर्मियाँ आ गई हुई हैं, टैनिंग होने का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए इस ये मास्क लाजमी वीकेंड के ऊपर ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ईद तक आपकी स्किन जो है वो यंगर लुकिंग स्किन और फ्रेश लगे बिल्कुल आपकी स्किन। ये इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब के सब इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को फ्रेश बनाएंगे। योगर्ट जो है वो स्किन को मॉइस्चर करेगा, हनी जो है वो आपकी स्किन के अंदर जो रिंकल्स हैं, लाइंस हैं, उन्हें ख़त्म करेगा। टर्मरिक जो है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये मास्क जो है वो हर एंगल से आपके लिए बेनिफिशियल है। बाजार की क्रीमें लगाने से बेहतर है कि अगर आप ये मास्क वीक में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो आपके बहुत से स्किन इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं और वो 1000 रुपीज़ जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो आप अपने कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है तो जल्दी खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम होता है, लोग रात को जागते हैं, तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप आराम से रात में कर सकते हैं। जब आपने जाके कोई टीवी ड्रामा फिल्म देखना है, आपने गेम्स खेलनी है, आपने सोशलाइजिंग करनी है, तो आप ये मास्क लगाकर कंफर्टेबली आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो ईद तक जो है वो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एंड टाइम के ऊपर फेशियल के लिए भागना नहीं पड़ेगा कि मुझे अपनी स्किन को ये ट्रीटमेंट देना है या मुझे ये ट्रीटमेंट देना है या मुझे फलां पार्लर से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आप ये मास्क जो हैं ये अभी से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। पूरा रमज़ान जो है जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे और पानी का इनटेक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर नज़र आएंगे। और आपने अच्छे तरीके से मैं इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, 15 टू 20 मिनट्स आपने इसे रहने देना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना नहीं भूलना है आपने। दोबारा कह रही हूँ, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कम्बिनेशन स्किन हो, नेचुरल स्किन हो, हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइज़र लाजमी आपने यूज़ करना है। नाउ मूव टू वर्ड्स द मास्क नंबर टू, के मास्क नंबर टू हमने ओपन पोर्स के लिए है। सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है कि ओपन पोर्स होते किस किस्म के। इस टाइम ये पिक्चर आपके सामने, इसके अंदर आप देख रहे हैं एनलार्ज पोर्स हैं, इन्फ्लेम्ड एक्नी है और एक्नी स्कार्स हैं। ये इस स्किन टाइप के लिए जो सेकंड मास्क है वो परफेक्ट है। टाइम ज़रूर लगेगा, साल लग सकता है, 6 माह लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस मास्क को यूज़ करें, और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे इस मास्क के साथ हाइलोरोनिक एसिड को, तो आपके ये तमाम के तमाम इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँगी कि बेनिफिट्स क्या हैं आपको इस मास्क को इस्तेमाल के लिए। सबसे पहले आप जब इसको कहीं मेकअप करना है, आपने कहीं शादी के ऊपर जाना है, तो आपकी फाउंडेशन सेट करने के लिए ये मास्क बहुत अच्छा, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा। दूसरा, आपकी जो स्किन के पोर्स हैं एकदम से गायब नहीं करेगा लेकिन उनके साइज को छोटा कर देगा ताकि वो जो आपकी स्किन के अंदर बेस लगता है कि फंसी हुई बेस है एटलीस्ट उसको रिकवर कर देगा। तीन इंग्रेडिएंट्स मास्क है ये भी। इसके अंदर आपको एग वाइट चाहिए, हनी चाहिए 1 टीस्पून और हाफ लेमन जूस चाहिए। ये आपकी स्किन के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। आपने 20 मिनट्स ये मास्क अपने फेस पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपने जो है वो नीम गर्म पानी के साथ
साथ, ठंडे पानी के साथ नहीं, नीम गर्म पानी भी नहीं लेना। मतलब जिस तरह आप आजकल मौसम गर्म है तो जो आम नलके का पानी है उससे आपने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से वॉश करना है, और उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और हाइलोरोनिक एसिड अप्लाई करना है, ताकि आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो उनका साइज कम हो जाए, और आप जब उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करें, कंसीलर अप्लाई करें, प्राइमर अप्लाई करें, तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश लगेगी। आपने एग वाइट को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, इसके अंदर हाफ लेमन ऐड करना है और 1 टीस्पून जो है वो आपने इसमें हनी अप्लाई करना है। मैं ये मास्क आपको अप्लाई करके नहीं दिखा रही, अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे मेरी स्किन पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बना के बनाया है आप लोगों की खातिर, ताकि वो लोग जिनके स्किन पोर्स का है इशू है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दिया, थाउजेंड्स की क्रीम्स यूज़ कर ली हैं, लेकिन फिर भी मसले का हल नहीं निकल रहा है, तो आपके मसले का हल इस फेस मास्क अंदर है। वंस अ वीक बहुत अच्छा है, कम से कम रेगुलर बेसिस के ऊपर वंस इन अ वीक आपने इसको रूटीन बना ले, मेडिसिन की तरह आपने इस मास्क को जरूर अप्लाई करना है। और अगर आपने कहीं जाना है, आपने मेकअप करना है, तो मेकअप से पहले आपने इस मास्क को जरूर अप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्टली टोर के ऊपर जो है वो इसी तरह की स्किन के ऊपर आप मेकअप अप्लाई करते रहेंगे तो वो क्या होगा, ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है आपकी स्किन, उसमें इन्फेक्शन है, उसमें सूजन है। अब सूजन के ऊपर जब आप लेमन अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन को मजीद खराब करेगा। सो इसलिए मेकअप को अप्लाई करने से पहले आपने इस मास्क को ज़रूर 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 अप्लाई करना है, ताकि एटलीस्ट कुछ इन्फ्लेमेशन स्किन की कम हो जाए, और उसके बाद आप किसी भी तरह का मेकअप अपनी स्किन पे अप्लाई करें। मुझे वीडियोस मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये मास्क आपको कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।